10 on 10 पेश करते हैं भारत की 10 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां। हेलो दोस्तों, भारत में कई बहुत बड़ी आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियां मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की 10 ऐसी सबसे बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी हैं, कई मजेदार जानकारियों के साथ। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नंबर 10, NIIT Technologies Limited। 10वें नंबर से इस सूची की शुरुआत होती है NIIT Technologies Limited से, जिसकी स्थापना साल 2004 में हुई थी। NIIT Technologies Limited के संस्थापक श्री राजेंद्र सिंह पवार जी हैं। इस कंपनी का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है, और ये कंपनी ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। NIIT Technologies को ग्लोबल सोर्सिंग एसोसिएशन द्वारा ऑटोमेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया जा चुका है। NIIT Technologies में 11,231 लोग काम करते हैं। नंबर 9, हेक्साबेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 9वें नंबर पर है हेक्साबेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसकी नींव 1990 में इस कंपनी के संस्थापक श्री अतुल के निशल जी द्वारा रखी गई थी। हेक्साबेयर का हेड ऑफिस नवी मुंबई में है, जहां से इस कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स सर्विसेज आदि की सेवाएं मुहैया कराई जाती है। हेक्साबेयर को इमेजिनेशन कैटेगरी में अमेरिकास ISG पैरागॉन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हेक्साबेयर टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं 20,158 कर्मचारी। नंबर 8, माइंडट्री लिमिटेड। अगली बारी आती है माइंडट्री लिमिटेड की, जिसकी स्थापना साल 1999 में हुई थी। माइंडट्री लिमिटेड को एक या दो नहीं बल्कि 10 लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। इस कंपनी का मुख्य ऑफिस बेंगलुरु में है, और माइंडट्री लिमिटेड को एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और वायरलेस सॉल्यूशंस के फील्ड में एक अहम पहचान मिली हुई है। माइंडट्री सामाजिक कल्याण में भी उड़ान, आई गॉट गार्बेज आदि मुहिमों से खासा योगदान दे रही है। माइंडट्री लिमिटेड को अपने खून और पसीने से सींचते हैं 21,991 कर्मचारी। नंबर 7, एम्फेसिस लिमिटेड। 7वें नंबर का स्थान हासिल किया है एम्फेसिस लिमिटेड ने, जिसने 1998 में काम करना चालू किया था। एम्फेसिस के संस्थापक श्री जेरी राव और श्री जेरोइंटास हैं। एम्फेसिस लिमिटेड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, और इस कंपनी को क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाना जाता है। वर्ल्ड HRD कांग्रेस में एम्फेसिस लिमिटेड को IT और सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर का अवार्ड भी दिया गया था। इस कंपनी में काम करते हैं 26,398 एम्प्लॉइज। नंबर 6, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, या प्यार से जिसे L&T इन्फोटेक कहा जाता है, साल 1997 में अस्तित्व में आई थी। इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में श्री AM नायक और श्री संजय जलोना जी का एक अहम योगदान है। L&T इन्फोटेक का मुख्यालय मुंबई में है, और ये कंपनी एश्योरेंस सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, OCM और प्राइवेसी सर्विसेज जैसी सेवाएं प्रदान करती है। BTVI बिजनेस लीडर अवार्ड्स में L&T इन्फोटेक को मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया था। इस कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 31,437 है। नंबर 5, टेक महिंद्रा लिमिटेड। 5वें पायदान पर है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1986 में कंपनी के संस्थापक श्री आनंद महिंद्रा जी के कर कमलों द्वारा हुई थी। टेक महिंद्रा का मुख्यालय पुणे शहर में है। डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क सर्विसेज, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस के क्षेत्रों में टेक महिंद्रा को अव्वल माना जाता है। बार्क एशिया द्वारा टेक महिंद्रा को ब्रांड ऑफ द डेकेड चुना गया था। टेक महिंद्रा में 1,25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। नंबर 4, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने साल 1976 में काम करना चालू किया था। इस प्रमुख भारतीय कंपनी के संस्थापक शिव नादर जी हैं। HCL कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा शहर में है, और ये कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा सेंटर सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एम्बेडेड इंजीनियरिंग के काम में काफी आगे है। HCL को अपने एम्प्लॉय फर्स्ट पहल के कारण से विश्व भर में ख्याति मिली है। HCL में काम करते हैं 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज। नंबर 3,
विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड ने कब्जा किया है तीसरे स्थान पर और इसने 1945 में कामकाज चालू किया था। मोहम्मद प्रेमजी द्वारा इस कंपनी को स्थापित किया गया था और श्री अजीम प्रेमजी द्वारा कई सालों तक विप्रो को कुशलता पूर्वक संचालित किया गया। विप्रो का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और ये कंपनी डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से नाम कमा चुकी है। विप्रो को अपनी नैतिकता के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। विप्रो में 1,75,000 से ज्यादा कर्मचारी की टीम है। नंबर 2, इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस या इन्फी को मिला है दूसरा स्थान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इंफोसिस को श्री नारायण मूर्ति समेत 7 लोगों ने मिलकर खड़ा किया है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग आदि में ये कंपनी अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। क्या आपको पता है कि इंफोसिस का मैसूर कैंपस न सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी कैंपस है। इंफोसिस में काम करते हैं लगभग 2,43,000 लोग। नंबर 1, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। पहले नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS। TCS को साल 1968 में श्री GRD टाटा और श्री FC कोहली जी द्वारा स्थापित किया गया था। TCS का मुख्यालय मुंबई में है और ये कंपनी कंसल्टिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की सेवाएं प्रदान करती है। TCS भारत में सबसे ज्यादा लोगों को काम देने वाली निजी कंपनी है, जहां काम करते हैं लगभग 4.5 लाख कर्मचारी। आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है ये कमेंट में बताकर स्क्रीन पर आ रही अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास है। धन्यवाद।